जय हिंद गाइस। वेलकम टू दिस सेशन एंड आई एम नितिन मिश्रा योर इंग्लिश एजुकेटर आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी प्रेपरेशन को सही दिशा में आगे लेकर जा रहे होंगे तो दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करना चाहूँगा वेलकम एवरी ऑफ यू आप सभी का इस क्लास में स्वागत है और आज के सेशन में हम अपने एंटनम्स सिनेिम्स वोकैब्स को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं और मैंने कुछ अप्रोच आपको बताई थी निमोनिक्स को कैसे हम टेकल करेंगे कैसे हम नए नए शब्दों को सीख सकते हैं इस पर मैंने आपके साथ कुछ आई गेस बेहतर तरीक़े एक अप्रोच साझा किया था और मुझे लगता है कि मैं तो आपको क्लास में ये अप्रोच बता रहा हूं आप भी अपनी असल जिंदगी में शब्दों को इसी अप्रोच से सॉल्व कर रहे होंगे और दोस्तों आगे इस सेशन में और भी हम कुछ नए शब्दों को डिस्कस करेंगे लेकिन आ, मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि आपको ये मेथड बहुत समझ आ रही होगी तो शुरू करते हैं सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज ब्रस्क्यू वर्ड है ब्रस्क्यू ब्रस्क्यू का मतलब क्या होता है याद रखना ब्रस्क्यू का मतलब होता है बेसिकली ब्रस्क्यू का मतलब होता है असिस्ट बिहेवियर यानी असिस्ट व्यवहार तुच्छ व्यवहार रूड व्यवहार एबरप्ट व्यवहार इम्पोलाइट बिहेवियर यानी यदि आपका बिहेवियर यदि आपका व्यवहार इम्पोलाइट है अगर आपका बिहेवियर रूड uh, है एब्रप्ट है अनएडुकेटेड आप बिहेव uh, करते हो अन बिहेव करते हो तो इसको हम ब्रस्क्यू कहते हैं अब इसे याद कैसे रखा जा सकता है तो इसे याद रखने के लिए आप यहाँ पर इस चित्र में ध्यान से देखो बस स्टॉप पर सभी कतार में खड़े हैं है ना एक के पीछे एक के पीछे एक लेकिन आप जानते हो कि भारत में ऐसा आ, बहुत दिनों तक नहीं चलता एंड दरअसल क्या है कि आपने भी देखा होगा कि हमेशा लोग बस के लाइन में बस के कतार में हड़बड़ी करते हैं खुद आ, पहले जाने का प्रयास करते हैं असिस्ट व्यवहार करते हैं अनएडुकेटेड आई गेस बिहेव रखते हैं उन्हें लगता है कि सबसे पहले वे जाएंगे भले ही वो सबसे अंत में क्यों ना आए हो तो यहाँ साफ साफ कह रहा है कि नो ब्रस क्यू इन बस क्यू बस की कतार में कोई असिस्ट व्यवहार नहीं करेगा बस की कतार में कोई असिस्ट व्यवहार नहीं करेगा नो ब्रस इन द बस क्यू सभी को क्लियर है नो बस क्यू इन द ब्रस क्यू सभी को क्लियर है बेटा अगला है बेस्टो वट डू मीन बाय बेस्टो बेस्टो का मतलब क्या है बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना मतलब कुछ किसी को प्रदान करना कॉनफर करना प्रेजेंट करना गिव करना इसके लिए मीनिंग हो जाएगा तो गाइज बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना यानी कॉन्फर करना प्रेजेंट करना गिव करना उम्मीद है आप सभी को आसानी से समझ आ गया होगा और यहाँ पर इस चित्र में देखो एक व्यक्ति है जिसने परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और ऐसा करने के लिए उसे एक बेस्ट स्टोव प्रदान किया गया प्रदान करने को हम बेस्टो कहते हैं तो कह कैरा आई गॉट बेस्टोड विद द बेस्ट स्टोव फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास चलो थैंक यू तो आई गॉट बेस्टोड विद द बेस्ट स्टोव फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास मुझे प्रदान किया गया बेस्ट स्टोव क्योंकि मैंने कक्षा में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था ओके okay? चलो तो आप ध्यान से देखो कह रहा है बिगविल है ना बिगविल मींस धोखा देना बिगविल मींस धोखा देना डिसीव करना चीट करना बिगविल यानी डिसीव करना चीट करना धोखा देना बिगविल करने का मतलब है तो गाइस बिगविल करना डिसीव करना चीट करना धोखा देना अब आप इसकी कहानी कैसे समझ सकते हैं आप जानते होंगे कि जो रोड पर बेगर्स होते हैं ना वो बहुत चालाक होते हैं वो अपने पावों को बेसिकली ऐसे छुपा लेते हैं वे स्वस्थ होते हैं लेकिन ऐसे वो आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको डिसीव करते हैं चीट करते हैं और भले चंगे होते हैं पर ऐसे प्रयास करते हैं जैसे कि वे अपाहिज हैं तो बेगर्स बेग जो बेगर्स हैं वो भीख मांगते हैं एंड बीग विल द गाइज और लोगों को इसी प्रकार से धोखा देते हैं चीट करते हैं डिसीव करते हैं मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा

सभी को क्लियर है नेक्स्ट है गाइस कास्टिगेट। कास्टिगेट मींस किसी को क्रिटिसाइज कर देना, किसी को नीचा दिखाना। कास्टिगेट करने का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज कर देना किसी को नीचा दिखाना पनिश करना तो गाइस आप ध्यान से देखो इस चित्र में क्या किया जा रहा है एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को उसके घुटनों पर बिठाकर उसके साथ बदतमीजी कर रहा है यहाँ पर भी देखो ये उसे डांटने का प्रयास कर रहा है उसे आई मीन I mean, उसकी हैसियत बता रहा है है ना? तो आप कह सकते हो कि कास्टिगेटिंग अ लो कास्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ माई गेट वह मेरे गेट के सामने नीची जाति के व्यक्ति को कास्टिगेट कर रहा है मतलब नीचा दिखा रहा है मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है मतलब पनिश कर रहा है दोस्तों मैं फिर से कह दूं मेरा ऐसा कोई मत या विचार नहीं है मैं केवल पढ़ाने के लिए ऐसा बोला कास्टिगेटिंग अ लो कास्ट पर्सन सिर्फ जस्ट फॉर टीचिंग आई गेस पर्पस मैं इससे सहमत नहीं हूँ मैं ऐसे विचारों में uh, शामिल नहीं होता है ना तो आप सभी को क्लियरली समझ आ रहा होगा कास्टिगेटिंग लो कास्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ माई गेट एक अच्छा सेंटेंस होगा जिससे हम इस पर्टिकुलर वर्ड को आसानी से समझ सकें नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कुछ इस तरीके से बेटा चैगरिन का मतलब क्या होता है चैगरिन का मतलब होता है एम्बेरसमेंट ह्यूमिलिएशन आप भी कभी ना कभी एम्बेस हुए होंगे, कभी ह्यूमिलिएट हुए होंगे, तो आप याद रखना एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलिएशन को हम चैगरिन भी कहते हैं कैसे याद रख सकते हैं ये शब्द तो गाइज आप अगर बार बार फास्ट फास्ट इस शब्द को बोलोगे ना चैगरिन चाय चाय चैगरिन चैगरिन चैगरी चैगरी चैगरिन चैगरिन चैग्री चैगरी चैगरिन चैगरिन चैगरी चैगरी तो आपको चैगरिन बोलने पर चायगिरी याद आएगा और आप खुद सोचो कि आप पार्टी में हो आप दोस्तों रिलेटिव्स के साथ बैठे हो और आपकी पैंट पर चाय गिर जाए आपको पूरे पार्टी में कैसा महसूस होगा वेन आई वॉज इन अटिंग चाय गिरी ऑन माई पैंट तो आई वॉज फीलिंग चैगरिन मेरे पैंट पे चाय गिरी तो मैं चैगरिन महसूस कर रहा था सभी को क्लियर है आसानी से याद हो जाएगा तुरंत याद हो जाएगा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपको सिर्फ ये अप्रोच पकड़नी है और अपने नए शब्दों को इसी प्रकार अगर आप याद करते हैं आसानी से आप शब्द याद कर लेंगे अगला है बेटा चैरलैटन वट डे मीन बाय चैरलैटन ध्यान से देखो ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो चैरलैटन का क्या मतलब है बेटा चैरलेटन का क्या मतलब है ध्यान से देखो आप मुझे बताओ क्या आपको समझ आता है चैरलेटन का क्या मतलब हो सकता है बेटा जल्दी बताओ तो याद रखो चैरलेटन का मतलब होता है चीट, क्वैक, इंपोस्टर। मतलब आप इसी हिंदी में ढोंगी कह सकते हो चैरलेटन से आपको चार लाते याद आएगा और जब आपके सामने कोई ढोंगी आता है आपका क्या मन करता है आपका मन करता है चार लात इसको मारो बस आई गेव चार लाते टू चैरलेटन मैंने ढोंगी को चार लाते मारी आप चित्र में भी देख सकते हैं मैंने ढोंगी को चार लाते मारी सभी को क्लियर है मैंने ढोंगी को चार लाते मारी आसानी से आप ऐसे इस शब्द को याद रख लोगे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी आया सभी को

तो गाइज अगला हमारे पास वर्ड है डैपर डैपर एक बहुत ही प्यारा वर्ड है और आसानी से आप इस शब्द को देख पा रहे क्या मतलब है डैपर का डैपर का बेसिक मतलब है स्पीक एंड स्पाम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा है ना तो गाइज डैपर बेसिकली मीन्स साफ सुथरा डायपर से आपको क्या याद आएगा डायपर याद आएगा बच्चा डायपर पहनता है डायपर का चित्र भी बना है कितना प्यारा लग रहा है तो गाइस पहले के जमाने में जब डायपर नहीं था ना तो बच्चे बहुत ही गंदे होते थे है ना परंतु जब से डायपर आ गया है बच्चे क्या लगते हैं साफ सुथरे आसानी से याद हो जाएगा डायपर बच्चों को डायपर रखता है डायपर बच्चों को डायपर रखता है आसानी से आप याद कर सकते हो डायपर बच्चों को डायपर बच्चों को डायपर रखता है आया सभी को सभी को क्लियर है दोस्तों मैंने आप सभी को चैट में क्विज़ ऑफ़ आई मीन सिन का एक और पचास शब्दों का क्विज शेयर किया है आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना मैंने दो सिनानिम्स के आई मीन सिन के मैंने वो कैब वन में भी क्विज दिए थे इसके अलावा मैंने एंटनिम के क्विज आपको वो कैप टू में दिए थे आज फिर से मैं सिनेम का एक और क्विज आपको दे रहा हूँ इसे आप हल कर लेना और मैं रेगुलरली प्रयास करूंगा कि वो कैब के ढेर सारे क्विजेस लगातार भेजता रहूं प्रतिदिन पचास पचास क्वेश्चन भी करेंगे तो हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो गाइस डैपर बच्चों को डायपर बच्चों को डायपर रखता है उम्मीद है आप सभी को यह शब्द क्लियर हुआ अगला है दीजनेरेट। दीजनेरेट का मतलब है बदतर बनाना वर्सेन करना बदतर बनाना, करना, बुरा बुरा बुरी ओर लेकर जाना तो आप देखते हो कि बच्चे कितने क्यूट होते हैं, लेकिन कमिंग जनरेशन जो है ना वो हमारे कल्चर को और भी बुरा कर रही है खराब कर रही है बदतर कर रही है वर्सेन कर रही है तो बस डी जनरेट यहां से एक अच्छा निमोनिक्स हो जाएगा कमिंग जनरेशन आर डी जनरेटिंग आवर कल्चर है ना कमिंग जनरेशन आर डी जनरेटिंग आवर कल्चर सभी को क्लियर हुआ सभी को क्लियर है चलो तो उम्मीद करता हूं गाइज आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा कमिंग जनरेशंस आर डी जनरेटिंग आवर कल्चर अगला है डॉन्ट डॉन्ट बहुत ईजी है डोंट का मतलब होता है डराना धमकाना इंटीमीडिएट करना ब्रोबीट करना डोंट से आपको डॉन याद आएगा डॉन का काम होता है डराना धमकाना और आप इस व्यक्ति को तो पहचानते ही हो गए डॉन है ना तो बस डॉन का काम होता है डॉन्ट करना डॉन का काम होता है डॉन्ट करना सभी को समझ आया सभी को क्लियर है उसका सभी को समझ आया चलो अगला है डेसेकर डेकरेट का मतलब होता है चाहे इसको आप डी सैक्रेट भी कर सकते हो डी सेकरेट डी का मतलब होता है धार्मिक अपमान करना ईश्वर ईश निंदा अगर आपने हिंदी में सुना हो डी means मीन्स पवित्र चीज को खराब करना प्रोफेन करना सैकलिकेज करना धार्मिक अपमान करना ईश निंदा करना और आप सभी जानते हैं कि मंदिर में अगर हम देसी अंडों का कैरेट लेकर जाएंगे है ना भाई देसी अंडों का कैरेट अगर हम मंदिर में लेकर जाएंगे देसी अंडों का कैरेट आप जानते हो ना है? एक के ट्रे को कैरेट कहते हैं देसी अंडों के कैरेट को हम अगर मंदिर में लेके जाएंगे तो गाइज उसे आप क्या कह दोगे तो हम कहते हैं है ना नाट कहते हैं आशा करता हूं आपको क्लियरली समझ आया होगा तो निमोनिक्स हो जाएगा देसी अंडो का कैरेट मंदिर में ले जाएंगे तो हो जाएगा डेसेक्रेट यानी धार्मिक अपमान हो जाएगा और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दू कई बार बच्चे विचलित होते हैं पीडीएफ को लेकर के आपके ग्रामर के सारे पी डी एफ्स आई गेस अप टू डेट हैं लेकिन वो कैबलरी एक अभी ऐसा हिस्सा है ना जिसको आप सीमित नहीं कर सकते हैं तो एक कक्षा में जितना मैंने पढ़ाया है अगर आप देखें तो शायद मैं कक्षा में कितने ही शब्द करा पाऊंगा दस पंद्रह बीस मैक्सिमम पच्चीस परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द जो कि अति महत्वपूर्ण शब्द हैं मैं आप उसे मैं आपको वो दे सकूँ है ना दिस इज वॉट आई गैस फाइंड द नीड ऑफ एंड दैट्स द पॉइंट कि मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ आई मीन इट विल बी लाइक वन वन मोर डेज और मैं इन सभी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को जो कि हाईली इम्पॉर्टेंट है इसी तरह से वो Uh, आपके सामने आएंगे एंड मैं इन सभी चीज़ों को आपको दे दूंगा जस्ट वेट फॉर वन मोर डेज मैं जो पी डी एफ्स है ना उसको अपडेट करा दूंगा बस मैं ये दस पंद्रह वर्ड्स नहीं दे करके एक ढेर सारी बड़ी सारी लिस्ट ऑफ वर्ड्स देना चाह रहा था आई गेस आप सभी इस बात से uh, ही फील करेंगे कि मैं थोड़ा बेहतर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्ड देना चाहता हूँ जिसे आप इम्पॉर्टेंट वर्ड की तरह करें, करें, लर्न है ना? चलो, सभी को क्लियर है सभी को क्लियर है? अगला है गाइस, डिस्कट अब ये डिस्कम्फिट क्या है डिस्कम्फिट क्या है तो गाइस, आप सभी को डिस्को जाना तो बहुत पसंद होगा आप सभी दोस्तों के साथ डिस्को जा रहे हो मैं भी दोस्तों के साथ डिस्को पर गया वहाँ पर सभी लोग थे मेरी धर्म पत्नी भी थी पर बार बार एक महिला मेरे सामने आकर इस प्रकार से यू you नो know, डांस कर रही थी मुझे देख देख कर डांस कर रही थी और मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था तो डिस्को में यह लड़की सबको को कर रही है मतलब सबको अनकंफर्टेबल कर रही है सबको एम्बेस कर रही है आसानी से आपके लिए शब्द याद हो जाएगा बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा अगला है डोल्ट डोल्ट का मतलब क्या होता है डोल्ट का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति अस्ट्यूपिड पर्सन मूर्ख व्यक्ति अटूपिड पर्सन तो गाइज उम्मीद है आपको डोल्ट समझ आया होगा और याद रखो आपकी परीक्षा को टारगेट करने का लक्ष्य अगर आप रखते हो ना तो हर एक विद्यार्थी को जरूर से ज़रूर पंद्रह सालों में पूछे गए डिफेंस यूपीएससी अब इसमें कैटेगोरिकली आप टेन प्लस टू के डिफेंस यानी एनडीए और ग्रुप एक्स ग्रुप एक्स वाई सभी को ग्रुप वाई सभी को काउंट कर सकते हो आप इसमें एफ कैट के प्रीवियस ईयर पेपर CDS के प्रीवियस ईयर पेपर सी के प्रीवियस ईयर पेपर इन सभी के एग्जाम्स में जितने भी यू ने पूछे ना उन सभी शब्दों के संग्रह को आप इम्पोर्टेंट कंसीडर करके प्रिपेयर करना बेटा एंड जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं तो गाइज डोल्ट का मतलब होता है स्ट्यूबिट पर्सन अब बताओ एक बूढ़े दादाजी थे जो इस उम्र में साठ की उम्र में छोटी डॉल के साथ खेल रहे थे इस उम्र में इस बूढ़ी उम्र में डॉल के साथ खेलने वाले दादाजी को हम क्या कहेंगे डोल्ट कहेंगे भी बुढ़ापे में डॉल के साथ खेल रहे? सभी को क्लियर है सभी को क्लियर है ड्राइवेल ड्राइवेल से आप ध्यान से इस चित्र को देखो यहाँ पैसेंचर परेशान है और ड्राइवर आप देखें तो स्टेरिंग पे हाथ रख के मोबाइल चला रहा है ये खिड़की से बाहर झांक करके दोस्त को टाटा बाय बाय कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं ना दरअसल कई बार वो नॉनसेंस रबिश ट्यूपिड चीजें करते हैं ड्राइवल का मतलब होता है नॉनसेंस, ड्राइवल का मतलब होता है रबिश ड्राइवल का मतलब होता है स्ट्यूपिड और बस आपको याद आएगा ड्राइवर ड्राइवल वो ड्राइवर होते हैं वो सारे ड्राइवर ड्राइवल होते हैं स्ट्यूपिड होते हैं जो ड्राइव करते टाइम फोन पर नॉनसेंस बात करते हैं अगला प्रश्न अगला शब्द देखो फिलहाल ये केवल आपके लिए एक तरीका है मैं तरीका सिखा रहा हूं ये शब्द नहीं सिखा रहा ताकि आप भी इसी पद्धति से अगर प्रयास करेंगे तो आपके लिए चीजें सरल हो जाएगी डोट डोट मीन्स बी एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ यानी फिदा होना बी एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ यानी फिदा होना डोट डोट से आपको डॉट याद आएगा डोट से आपको डॉट याद आएगा और यहां पर आप देख सकते हैं एक सुंदर लड़की थी जिसके चेहरे पे बहुत सारे दाग और डॉट्स थे फिर भी जो उसका बॉयफ्रेंड था ना उसे गर्व होता था कि मेरी बंदी सबसे अव्वल सबसे आला सबसे निराला निराली सॉरी तो वो इसी पर निमोनिक्स बनाया और फिलहाल मैं कह दूं मेरी की कोई मंशा किसी महिला या पुरुष के सेंटिमेंट्स के ऊपर उंगली उठाने की नहीं है ना ही मैं ऐसा कोई रूप पॉइंट आउट कर रहा हूं सिर्फ पढ़ाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के हैं इतने सारे डॉट्स, उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर, हैं इतने सारे फिर भी वो उस पर है ना उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर इतने सारे डॉट्स हैं फिर भी वो उस पर डोट है आसानी से आप इस शब्द को इस प्रकार मेमोराइज रख सकते हैं मुझे उम्मीद है मुझे विश्वास है आप पूरे अच्छे तरीके से इन शब्दों को सीख पाए होंगे अगला है अगला वर्ड है दिलेट, दिलेट का मतलब क्या होता है डिलीट का मतलब क्या होता है डिलीट का मतलब होता है एक्सपैंड होना इन लार्ज होना यानी फैलना ओके एक्सपैंड होना इन लार्ज होना यानी फैलना चलो तो गाइज याद रखो वेन यू ईट दिल से यू विल यूलेट जब आप जी भर पेट भर भर के के नहीं जब आप मन भर के खाते हो ना तो आप फैलते हो होते हो ड्रजरी। ड्रजरी मतलब हार्ड वर्क ड्रजरी मतलब मीनियल वर्क जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ड्रजरी से आपको द्र... दर्जी याद आएगा दर्जी डज द दर्जी जो है वो कठिन परिश्रम करता है वो मीनियल वर्क करता है वो हार्ड वर्क करता है अगला है बेटा ड्विंडल ड्विंडल मींस रिड्यूस होना ड्विंडल मींस डिमिनिश होना ड्विंडल मींस कम होना और ड्विंडल से आपको विंड याद आएगा स्ट्रॉन्ग विल ने क्रॉप को ड्विंडल कर दिया है ना स्ट्रोंग विंड ने क्रॉप को ड्विंडल कर दिया समझ आया सभी को चलो अगला अगला एक बेटा डाउज डाउस का मतलब होता है डुबकी लगाना है ना डाउस से आपको याद आएगा माउस डाउस का मतलब होता है डुबकी लगाना डाउस से आपको याद आएगा माउस बस माउस डाउस इन टू माउस ने पानी में डुबकी लगाई माउस डाउस इन टू वाटर माउस ने पानी में डुबकी लगाई अगला है बेटा डिसबैंड डिस मतलब अलग होना सेपरेट होना डिजोल्व होना खत्म होना तो आप सभी यहां पर जानते होंगे ये भी एक बैंड है है ना और है कि दिस बैंड इज डिसबैंड मतलब अब ये बैंड खत्म हो गया अब ये बैंड अलग अलग हो गया लोग अलग अलग हो गए डिस्पोर्ट डिस्पोर्ट का मतलब होता है मजा डिस्पोर्ट का मतलब होता है अम्यूजमेंट यानी इंजॉय है ना डिस्पोर्ट ये आपको स्पोर्ट याद आएगा आप कह सकते हो पीपल डिस्पोर्ट वाइल्ड वॉचिंग स्पोर्ट्स पीपल डिस्पोर्ट वाइल्ड वॉचिंग स्पोर्ट्स पीपल आनंद में आते हैं जब वे स्पोर्ट्स देखते हैं आपको क्या ये सारी शब्द चुटकियों में याद हो रहे हैं क्या क्या आपको याद करने में थोड़ा सरल महसूस हो रहा है क्या आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा बेटा आपका फीडबैक बहुत जरूरी है आप मुझे फीडबैक बहुत जरूरी है प्लीज दीजिएगा अगला है डेड पैन डेड पैन का मतलब होता है असंवेदनशील अब देखो गेटा इस पुरुष के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है कोई खूबसूरत महिला भी आ जाए तो भी एक्सप्रेशन लेस है चाहे ये मुस्कुरा दे तो भी एक्सप्रेशन लेस है तो आप कह सकते हो डेड पैन मतलब इम्पैसिव और एक्सप्रेशन लेस असंवेदनशील तो डेड मैन जो मृत व्यक्ति होते हैं ना वो डेड पैन होते हैं मृत व्यक्ति डेड पैन होते हैं इस तरह से आप उसे याद रख सकते हैं मृत व्यक्ति डेड पैन होते हैं सभी को क्लियर है अगला है फेसाइल व्हाट डू यू मीन बाय फेसाइल फेसाइल का क्या मतलब है चलो थैंक यू तो गाइस फेसाइल का मतलब होता है एफर्टलेस इजीली अचीव्ड फेसाइल मतलब एफर्टलेस फेसाइल मतलब इजीली अचीव्ड बिना किसी परिश्रम के कोई चीज अचीव हो जाती है तो उसको हम फिसाइल या इजीली अचीव्ड कहते हैं तो गाइज याद रखो जब कोई महिला मुस्कुरा देती है तो उसके सारे काम अपने आप हो जाते हैं फेस पर स्माइल होने से आप चीजों को इजीली अचीव कर लेते हैं इफ यू कीप स्माइल ऑन योर फेस यू विल अचीव एवरीथिंग जीली उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा सभी को क्लियर है सभी को क्लियर है अगला है फैक्शन अगला है फैक्शन फैक्शन का मतलब क्या होता है फैक्शन का मतलब होता है कैबल क्लिक गुट दल ग्रुप समूह आप देखो ना यहाँ पार्टी हो रही है और लोग ग्रुप बना बना के कैबल बना बना के गुड बना बना के दल बना बना के इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर कुछ लोग अलग इकट्ठा हैं यहाँ कुछ अलग इकट्ठा हैं ये कुछ अलग लोग इकट्ठा हैं तो बस फैक्शन से आपको फंक्शन याद आएगा इन फंक्शन पीपल स्टैंड इन फैक्शन फंक्शन में लोग फैक्शन में खड़े होते हैं ना मतलब गुड बना के झुंड बना के खड़े होते हैं तो दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आपके साथ कुछ बेहतर शब्द साझा कर सकूं और अभी शब्दों को और आगे लेके जाने की बारी है शायद मुझे लगता है अब हम आने वाले दिनों में ऐसे क्विज़ेस तो करते रहेंगे मैं आपके साथ एक वर्ड लिस्ट भी साझा करूंगा ताकि आप उस वर्ड लिस्ट के माध्यम से अपने मेमोराइजेशन को और आगे बढ़ा सकें चलो तो दोस्तों म और एंटनिम के शब्दों को तो डिस्कस करेंगे ही आगे हम फिर और सेशन लेकर आएंगे लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अभी हम अपने एक पी क्यू आर एस अरेंजमेंट पर चर्चा जरूर करें तो मैं आने वाले दिनों में कुछ क्लासेस पी क्यू आर एस के लिए शेड्यूल करूँगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग एंड टेलिंग यू हाउ यू कैन मेक एन ओवर सेंटेंस रीअरेंजमेंट और इस वो को हम अपनी रोज की आदत बनाएंगे और मैं आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट शब्द दूंगा अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर मेकिंग 15 ईयर उसके अलावा मैं आपको दूंगा सो so आप प्लीज उसे प्रिपेयर जरूर कर लेना तो गाइज इस क्लास में इतना ही अगली क्लास में फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर जय हिंद ख्याल रखें खूब पढ़ाई करें And you can uh, reach me out anytime when you, uh, I mean, facing any problem or if you have any query, to ask me. Have a great evening, beta Jai Hind.